नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी की है। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो की। और जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज मैं इस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ और इसका सोल्यूशन भी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज वीडियो का अंत तक जरूर देखेगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देख लेते हैं। इस वक्त जो सभी जगह हालात चल रहे हैं उन सब से आप अच्छे से वाकिफ हैं। और आपको मैं यही बताना चाहूंगी दोस्तों कि प्लीज घर पर रहिए, सुरक्षित रहिएगा। आपकी फैमिली के लिए भी यही अच्छा होगा, आपके बच्चों के लिए अच्छा होगा। आप जितना घर पर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे, तो प्लीज इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा। और अगर जाते भी हैं तो प्लीज मास्क लगाकर जाइएगा घर से बाहर, बिना मास्क के बिल्कुल मत जाइएगा। और सैनिटाइजर यानी कि हैंड सैनिटाइजर को अपने साथ लेकर जरूर जाइएगा। और बेवजह बाहर जाकर इधर उधर की चीजों को टच मत कीजिए। आप सभी जानते हैं कि इन चीजों को टच करना बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको कि कोई भी आप एटीएम मशीन वगैरह अगर यूज करते हैं, अगर एटीएम पर जाते हैं, मशीन यूज करते हैं, और अगर कुछ और आप किसी चीज को टच करते हैं, तो प्लीज उसी वक्त आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज कीजिए और उन हाथों को आप अपने फेस पर ना टच कीजिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने बोला था कि उनका जो बेटा है वो सैनिटाइजर का यूज बहुत ज्यादा करता है, यानी कि हैंड सैनिटाइजर बहुत ज्यादा यूज करता है और हैंड वॉश करने से वो जीजड़ाता है, भागता है बहुत। तो हैंड सैनिटाइजर का यूज करना उसे बहुत ज्यादा पसंद है, वो ज्यादा यूज करता है सैनिटाइजर का। तो ऐसे में उसकी जो यहां की स्किन है वो काली पड़ गई है। मैं आपको पिक पर दिखा दूंगी यहां पर स्क्रीन पर, तो आप शायद समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूं। तो यहां की इसकी स्किन काली पड़ गई है, खिंची खिंची सी त्वचा हो गई है और ड्राई हो गई है स्किन बहुत ज्यादा, और उसको जलन भी होने लगी है इस एरिया में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको होम रेमेडीज के बारे में ही बताने जा रही हूँ। सभी चीजें आपको आपके घर में इजिली अवेलेबल हो जाएंगी, कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है और इस वक्त आपको मिलेगी भी नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने जा रही हूँ, तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको पैक के बारे में बताने जा रही हूँ। हम सबसे पहले अपने हाथों पर पैक को अप्लाई करेंगे। तो पैक को तैयार करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ एक चम्मच बेसन, एक पिंच हल्दी और एक चम्मच एलोवेरा जेल। मैं यहां पर पतंजलि की एलोवेरा जेल यूज कर रही हूं, आप चाहे तो डायरेक्ट प्लांट की एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। तो इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है हमें। इसमें ध्यान रहे आपने कोई भी कर्ड या लेमन ऐड नहीं करना है, क्योंकि खटास की वजह से हो सकता है जलन ज्यादा हो आपकी स्किन पर। तो इसीलिए हमें ऐसी चीज का इस्तेमाल करना है जो कि आपकी स्किन पे ठंडक दे, इसीलिए मैं इसमें एलोवेरा जेल का यूज कर रही हूं। तो इस पैक को मैंने तैयार कर लिया है और अब मैं अपने हाथ पर आपको अप्लाई कर दिखा देती हूं। तो अब आप इस पैक को अपने हाथों पर लगा लीजिए कुछ इस तरह से जैसे मैं यहां पर लगा रही हूं। मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दूंगी और जब ये हल्का ड्राई हो जाएगा तो आप इसे थोड़ा सा पानी लगाकर हल्के हाथों से इस तरीके से रब करते हुए इसे वॉश कर लीजिए, उतार लीजिए। आपने बहुत ज्यादा मसाज नहीं करनी है क्योंकि बच्चों की त्वचा बहुत ही नाजुक होती है, तो बहुत ज्यादा मसाज मत कीजिए और सूखी त्वचा पर मसाज बिल्कुल मत कीजिए। थोड़ा सा गीला करने के बाद ही मसाज कीजिए। आप चाहें तो इसमें रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं। रोज वाटर में भी बहुत ठंडक होती है, आपकी स्किन में ठंडक भी देगा और आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करने में भी हेल्प करेगा। तो ये देखिए मैंने वॉश कर लिया है हाथों को। सेकंड स्टेप यहां पर मैं आपको बताने जा रही हूं एलोवेरा जेल। मैं यहां पर इस्तेमाल कर रही हूं पतंजलि की सौंदर्य एलोवेरा जेल। आपने ग्रीन वाली ही एलोवेरा जेल लेनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आप चाहें तो डायरेक्ट प्लांट के एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। बच्चे अक्सर होता है कि पैक वगैरह नहीं लगवाते हैं, तो आप पतंजलि की एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने एलोवेरा जेल ले लिया और इसे अच्छे से आपने पूरे हैंड पर अप्लाई करना है कुछ इस तरह से, और फिंगर्स के पास भी अच्छे से लगा लीजिएगा। इससे आपको तुरंत ही ठंडक भी मिलेगी आपकी स्किन को, और ये जितनी भी काली त्वचा आपकी पड़ गई है आपके हाथों की उसे भी ये रिमूव करने में, साफ करने में हेल्प करेगी। तो ये था मेरा सेकंड स्टेप। और ये जो नुस्खे मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, इसे बड़े भी ट्राई कर सकते हैं। अगर बड़ों की त्वचा भी यहां से ड्राई हो गई है, काली पड़ गई है, स्किन बहुत ज्यादा खिंची खिंची हो रही है, जलन हो रही है, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चे भी इसे बेझिझक होकर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है दोस्तों वो ये है कि अगर आपकी त्वचा पे बहुत ज्यादा जलन हो रही है हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते करते, या साबुन की वजह से त्वचा खिंची खिंची हो गई है और बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो आप एक आइस क्यूब लीजिए, उसे अपने पूरे हैंड पर अच्छे से मसाज कर लीजिए। रूमाल में फोल्ड कर लीजिए उस आइस क्यूब को और इस तरीके से मसाज कर लीजिएगा, तो बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको।
अगर आप मसाज करती हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और आपने 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लीजिए, जब तक कि बर्फ जो है वो पूरी मेल्ट ना हो जाए तब तक आप मसाज कीजिए, कोई नुकसान नहीं है इसका। आपकी त्वचा में अगर जलन हो रही है तो उसमें ये ठंडक भी देगी और आपको आराम भी पहुंचाएगी, और आपकी त्वचा जो है वो काली भी नहीं पड़ेगी। तो बर्फ भी बहुत ही अच्छी होती है स्किन के लिए, इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो टिप है दोस्तों वो ये है कि जब भी आप अपने हाथों को बार बार साबुन से धोती हैं या किसी और चीज से भी धोती हैं तो आप मॉइस्चराइजर को जरूर यूज कीजिएगा। मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बार बार हाथ धोने से क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई होने लगती है, और इसकी वजह से त्वचा खिंची खिंची सी महसूस होती है, फटने लगते हैं हाथ और त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हाथों में जलन भी होने लगती है। तो आप मॉइस्चराइजर का यूज जरूर कीजिएगा, कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकती है, चाहे तो कोई कोल्ड क्रीम यूज कर सकती है, और अगर आप चाहें तो मॉइस्चराइजर में 2 से 3 ड्रॉप बादाम तेल की या ओलिव ऑयल की या फिर आप कैस्टर ऑयल की भी डाल सकती हैं। इससे आपके हाथ और ज्यादा देर तक नरिश रहेंगे, मॉइस्चराइज रहेंगे, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी टिप है, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ऑयल्स का ऑप्शन मैंने आपको इसीलिए दिया है दोस्तों क्योंकि काफी बार जरूरी नहीं है सबके पास सभी तरह के ऑयल मौजूद हो, इसीलिए मैंने आपको नारियल तेल, बादाम का तेल यानी कि जो बादाम रोगन तेल आता है वो भी आप यूज कर सकती हैं, और या फिर आप ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो भी आपके पास इस घर में मौजूद हो। इसीलिए मैंने आपको यहां पर 3 तरह के ऑयल्स के ऑप्शन दिए हैं। ओके, एलोवेरा जेल के फायदे और बर्फ के फायदे भी, बर्फ के हैक्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर की हुई है, तो प्लीज एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। इन समर्स में आपके लिए मेरे बताए हुए बर्फ के फायदे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे दोस्तों, प्लीज एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एंड में एक चीज और कहना चाहती हूँ दोस्तों कि कोरोना वायरस से जितना हो सके बच कर रहिए, बहुत ही खतरनाक है ये वायरस। आप आईडिन टीवी पर भी इसकी न्यूज सुनी रही हैं, और इस टाइम को एंजॉय कीजिए जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों के साथ अच्छे अच्छे गेम्स खेलिए, टाइम स्पेंड कीजिए अच्छे से, नई नई उन चीजों को ट्राई कीजिए जिन्हें करने का अब तक सोचते आ रहे थे या टालते आ रहे थे, तो प्लीज उन चीजों को एंजॉय कीजिए, अपने बच्चों के साथ गेम्स खेलिए, बच्चों के साथ इस क्वालिटी टाइम को स्पेंड कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका ये टाइम बहुत अच्छे से बीतेगा। और खांसते और छींकते समय अपने फेस को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, अपने फेस पर आप रुमाल रख लीजिएगा, रुमाल से अपने फेस को कवर कर लीजिए, ढक लीजिए, और इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप भीड़ वाले एरिया में बिल्कुल मत जाइएगा। सोशल डिस्टेंसिंग आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, प्लीज इसे फॉलो जरूर कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप सेफ रहेंगे। और एंड में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि स्टे होम स्टे सेफ।